चलिए दोस्तों, आज दो शिमला मिर्च से ऐसी टेस्टी सब्जी बनाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। बहुत यूनिक है। शिमला मिर्च को आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो कमेंट करके जरूर बताना। इसको देखिए, मैंने क्यूबिक शेप में हरी शिमला मिर्च को कट कर लिया था, यानी कि ग्रीन कैप्सिकम। अब जो इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, सबसे पहले इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा। बहुत यूनिक रेसिपी है, ऐसी नई रेसिपीज आपको मिलती रहे, इसीलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और शेयर कर दे जिनसे बनवाना चाहते हो। हल्का सा धनिया पाउडर डाला है, इसमें डाल रहे हैं नमक स्वाद अनुसार। शेफ, जैसे आपकी रेसिपीज रहती है, जो इस टाइप की रेसिपीज रहती है, हाँ जी, मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी रेसिपीज आप फुल देखें, पूरी रेसिपी देखें, क्योंकि कुछ भी पार्ट को स्किप नहीं करेगी, क्योंकि इसमें शेफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स बोलती है। यस, अब देखिए इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच जो है बेसन डाल दिया है, यानी कि ग्राम फ्लावर। सायरा जी हाय। दोस्तों, आप हमारी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हो, कौन से पार्ट से देख रहे हो, जरूर कमेंट करके हमें बताना। ये देखिए, ये शिमला मिर्च को हमने मिक्स कर दिया। बहुत यूनिक रेसिपी है। जब मैं बोल रही हूँ यूनिक, तो वो तो यूनिक होएगी। यहाँ पर एक बड़ा चम्मच तेल जो है उसको गर्म करके रख लिया था, उसमें हम ये शिमला मिर्च जिसको बेसन से कोट किया था उसे डाल देंगे और एक बार मिला देंगे। हिमानी जी, गीतांजलि जी, राधा जी, रजनी जी, सीमा जी, हाय बोल रहे हैं। हाय एवरीवन। अब जो है ये शिमला मिर्च को हम मीडियम फ्लेम में पकने देंगे, ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से ढक्कन लगा दिया है। अभी साइड में जो एक मिक्सर जार लेंगे, रेसिपी के इम्पोर्टेंट पार्ट को मिस ना करें, ताकि एक परफेक्ट सब्जी आप अपने लिए, घर वालों के लिए बना पाओ। इसमें देखिए, दो बड़े साइज के टमाटर लिए थे मैंने, टमाटोज लिए हैं, इसे डाल दिया है। इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून के अराउंड फेनल सीड, यानी कि सौंफ। सौंफ जो है ज़रूरी है रेसिपी में, ज़रूर डालना है इसे। इसमें डालेंगे अदरक जिसको फाइनली चॉप कर लिया था। जो अनियन गार्लिक नहीं खाते वो भी ये रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं, आप उसे ट्राई कर सकते हो अपनी रेसिपी में। पाकिस्तान से देख रहे, फायरा जी सऊदी से देख रहे, सीमा जी रानीगंज से देख रहे हैं, सिमरत जी पंजाब लुधियाना से देख रहे। थैंक यू सो मच व्यूअर फॉर शावरिंग सच अ लव फॉर शेफ तन्वी। अनु जी इंदौर महाराष्ट्र से देख रही है। प्रिंस जी एमपी इंदौर से देख रहे। थैंक यू सो मच। हमारी प्यूरी बन गई टमाटर। दोस्तों, विद्या जी बोल रहे हैं कि वो हरी शिमला मिर्च को जो है घर में कैप्सिकम बोलते हैं। दोस्तों, आप अपने घर में क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके बताना जरूर। इसमें जो है एक बड़ा चम्मच के करीबन तेल डालेंगे, आप अगर कम डालना चाहो तो कम भी डाल सकते हो। और अगर आपको हमारी रेसिपीज देखकर मजा आ जाता है, या आप हमारी रेसिपीज ट्राई करते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ग्रेट। फराज जी लिख रहे पाकिस्तान से देख रहे, मधु जी लिख रहे रायपुर, हिमानी जी दिल्ली, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब ये गरम तेल में मैंने यहाँ पर जीरा डाल दिया, जिसका भुनने का हम वेट करेंगे क्योंकि प्रॉपर बने। फिर इसमें हम डालेंगे एक जो है बे लीफ डाल रही हूँ मैं, यानी कि तेज पत्ता। दो यहाँ पर कार्डमम डाल रही हूँ। सायरा जी पूछ रहे हैं अगर बेसन ना हो तो मैदा यूज कर सकते हैं। नहीं, आप एक काम करना, बेसन को पूरा स्किप कर देना सायरा जी, ये टेस्ट लेकर आएगा, इसलिए मैंने डाला है, कंपल्सरी नहीं है। आपको मिलने वाला इम्पोर्टेंट पार्ट एकदम अलग अंदाज से बना रहे, इस तरीके से किसी ने नहीं बनाया होगा, ये हमारी गारंटी है। आगे के पार्ट को एकदम भी मिस ना करें। यस, तो देखिए अब जो है इसमें हम टमाटो डाल देंगे, टमाटो की प्यूरी जो हमने पीसी थी, और इसको अच्छे से हम मिला देंगे। लाइक के बटन को दबाने में कंजूसी एकदम भी मत करो, फटाफट लाइक के बटन को दबाओ और शेफ तन्वी के लिए आप अपना प्यार दिखाओ। यस, और दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी क्लियर दिख रही है तो वो हमें जरूर बताना, क्योंकि नेटवर्क का इशू रहता है कभी कभी, तो ऑडियो या वीडियो क्वालिटी ब्लर आती है, प्रॉपर नहीं आती है, तो जरूर कमेंट करके हमें बताए। आरती जी यूपी से देख रहे, नोरेन जी जवाहर महाराष्ट्र से देख रहे, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो देखिए, टमाटो के प्यूरी के साथ पानी भी थोड़ा सा डाल दिया, ताकि इसमें जो बचा हुआ पार्ट है वो भी चल जाए, वेस्ट ना हो। जब तक ये हमारा साइड में बन रहा है, तब तक हम दूसरे रेसिपी के तीसरे पार्ट के ऊपर वर्क करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है कर्ड, जो कि नॉर्मल दही है जो फ्रेश है। इसमें हम डालेंगे दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना वो, तो ये एक बड़ा चम्मच मलाई डाल रही हूँ, 1 कप दही में 1 चम्मच मलाई। मलाई ना हो तो स्किप कर सकते हो, टोटली ऑप्शनल है। फिर इसमें जो है हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच। फिर इसमें हम डालेंगे ड्राई
मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर पाउडर, अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, और अगर आप दही खट्टा वाला ले रहे हो तो एकदम स्किप कर देना, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा फ्रेश वाला है इसलिए मैं ले रही हूँ। इसमें आधा चम्मच के करीबन हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं, और अभी एक और इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट डाल रहे हैं जो कि है केसर। केसर यानी कि सैफरिन, ये 5 to 6 स्ट्रैंड्स डाल रहे हैं। केसर को आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो सपना जी, विद्या जी हाय। इसमें देखिए थोड़ा सा हम नमक भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स जो है मैं मेरे फोक से करूँगी, फोक से जल्दी मिक्स हो जाता है। ये देखिए शेफ जी, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स आपके तरफ से टिप्स रहते हैं, हाँ जिसे फोक से फास्ट मिक्सिंग हो जाती है। हाँ ये लोग, ये जो छोटे छोटे टिप्स है ये आपके किचन में आप कभी भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि ये रेसिपी में यूज करें, आपको जो किचन में जो आप लोगों को टाइम देते हो वो एकदम प्रॉपरली यूटिलाइज करो और एकदम अच्छे से अच्छी और यम्मी सब्जी अपने घर वालों के लिए, अपनों के लिए बनाएं। यस, तो अब देखो ये दही जो है हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको हम इसमें डाल देंगे। और देखिए डाल दिया है मैंने। अर्चना जी लिख रही है, और एवरी रेसिपी इज सो हटके, थैंक यू। गुज्जू जी लिख रहे हैं, आपकी हर रेसिपी शानदार होती है, शुक्रिया जी। अंकित जी लिख रहे हैं, पाव भाजी रेसिपी वाज ऑसम, थैंक यू। व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने भी शेफ तन्वी की कोई रेसिपी ट्राई की है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हो सके तो उसके फोटोज भी शेयर करना ताकि हम स्टोरी में हमारे बाकी व्यूअर्स के साथ शेयर कर सके। यस, बहुत अच्छा लगता है जब आपके पिक्चर्स मैं स्टोरी में डालती हूँ, काफी गर्व लगता है कि मेरी रेसिपीज कोई ट्राई कर रहे और घर पे इतना यमी खाना बनाते हैं सब। व्यूअर्स, अभी तक आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो भी हमें जरूर बताएं, और लाइक के बटन को दबाने में कंजूसी एकदम भी ना करें। ये देखिए एकदम मस्त बन रहा है। अब जो ये जो शिमला मिर्च है ना, एक बार इसे भी देख लेते हैं। देखिए ये भी हमारा अच्छे से पक गया है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। इसको अगर आप चाहो तो और थोड़ी देर तक पका सकते हो, बट मेरे हिसाब से इट इज डन, प्रॉपरली डन। तो अब जो ये शिमला मिर्च को मैं ये ग्रेवी में डाल दूंगी। तो दोस्तों अभी तक तो आप ये समझ गए होंगे कि ये मैंने कश्मीरी स्टाइल में ये सब्जी बनाई है। अगर आपको ये मेरी कश्मीरी स्टाइल में शिमला मिर्च की सब्जी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, इंजॉय करिएगा। जब घर में कम समय हो, 15 से 20 मिनट में कुछ बनाना हो, तो ये सब्जी को आप बना सकते हो और घर वालों को एक यूनिक टेस्ट दे सकते हो, जो कि हर रोज़ घर वाले जिद करते कि हमें कुछ नया खाना है। तो ये नई सब्जी को ज़रूर बताएं। और देखिए इसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाल दिया है इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए। तो ये अमेजिंग सी सब्जी हमारी ऑलमोस्ट बन गई है, एक बार आपको मिला के और दिखा देती हूँ। शेफ, ये जो सब्जी है बहुत ही आपने फास्ट बना दिया, और इसमें ज्यादा चॉपिंग का भी काम नहीं था, सिर्फ शिमला मिर्च और दो तीन सब्जियों का चॉपिंग का काम था, जो कि व्यूअर्स आप लोग आधे घंटे के अंदर इजीली सब्जी अपने घर वालों के लिए बना सकते हो। और सबसे बेस्ट थिंग है कि बैचलर्स भी इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर चाहो तो इसे 5 से 6 मिनट और पका लेना, क्योंकि हम लाइव कर रहे हैं तो हम इसे और लंबा नहीं खींचेंगे, यहीं पे एंड करेंगे। इसको आप ढक के 4 से 5 मिनट पका लेना और ज़रूर इंजॉय करना। पकने के बाद कैसी लगेगी उसकी फोटो मैं कमेंट में डाल दूंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन, फिर मिलेंगे अमेजिंग रेसिपी के साथ। साइमा जी हाय, अंकित जी हाय, बाय, थैंक यू।